बाकी एडिबल ऑयल्स की बात करें तो एडिबल ऑयल में तेजी का ही रुझान है। कोई सा भी तेल उठा के देख लें, चाहे सीपीओ हो, सरसों हो, मस्टर्ड हो, रिफाइंड सोया हो, सब में तेजी ही देखने को मिल रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंडोनेशिया जैसे हो गया, तो इंडोनेशिया में सीपीओ की जो सप्लाई है वो टाइट है, और इंडोनेशिया की जो सरकार है सीपीओ की एक्सपोर्ट पर बैन लगाने के लिए सोच रही है, रोकने के लिए सोच रही है, क्योंकि वहाँ पर अगर भारतीय रुपये में इंडोनेशिया की करेंसी को कन्वर्ट करके वहाँ पे 1 लीटर पाम तेल की कीमत लगाई जाए तो वो 22,000 रुपये लीटर बैठ रही है इंडोनेशिया के अंदर। तो वहाँ पे जो सप्लाईज हैं वो इतनी टाइट देखने को मिल चुकी हैं, क्योंकि रशिया यूक्रेन का जब से युद्ध शुरू हुआ है वहाँ से तेल का जो एक्सपोर्ट होता है वो बंद हुआ है सूरजमुखी का। तो जो लोग सूरजमुखी का तेल खरीदते थे वो सीपीओ पर शिफ्ट हुए हैं, अन्य तेलों पर शिफ्ट हुए हैं, जिसकी वजह से सीपीओ की जो डिमांड है वो बढ़ गई है, और इंडोनेशिया में सीपीओ की जो सप्लाईज है उस पर असर पड़ा है, उस पर दबाव पड़ा है, ज़्यादा डिमांड देखने को मिली है, और यही कारण है कि भारत में सीपीओ के जो दाम हैं वो ज़्यादा बढ़ गए हैं और आगे अभी और बढ़ने वाले हैं। तो चाहे सरसों हो, सूरजमुखी हो, सीपीओ हो, रिफाइंड सोया तेल हो, सबके दाम अभी अब ऊँचे रहने वाले हैं।